व्रत में उपवास में हम कभी भी तीखा ही खाते हैं, मन हमारा तीखा खाने का करता है, तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि मीठा भी उसके साथ खाया जाए। तो मैंने एक पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने व्रत की जलेबी बनाई थी, वैसे ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें मैं व्रत की बूंदी बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और व्रत में जब भी कभी थोड़ा बहुत मीठा खाने का मन करे तो ये बूंदी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलिए बनाते हैं ये व्रत की बूंदी। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है, एक टोप में डाल दी है, और ये चीनी से थोड़ा सा कम मैं पानी ले रही हूँ। तो एक कटोरी से थोड़ा कम ले रही हूँ, और ये पानी मैंने इसमें चीनी में डाल दिया है। और अब हमें ये चीनी को घोलना है और इसकी चाशनी बनानी है। तो एक या दो तार की चाशनी हमको नहीं बनानी है, सिर्फ ये चिपचिपी चाशनी जैसे हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं ना, वैसे ही इसकी चाशनी बनानी है। तो देखिए एक उबाल आ चुका है इसमें अच्छे से, और उंगली और अंगूठे में हम लेके ऐसा हाथ से करेंगे तो चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही करना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, तो ये थोड़ी सी बूंदी कलरफुल हो जाएगी इसलिए मैंने ये डाला है, और इसे भी मिक्स कर देंगे। अभी ये चाशनी हो चुकी है तो इसे मैं गैस बंद करके ढक के रख दूंगी। जब भी हम बूंदी इसमें डालेंगे तो चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी रहनी चाहिए, अगर ठंडी हो जाए तो इसे थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। अभी ये मैंने लिया है सामा, इसे साहू बोलते, सामा बोलते हैं मराठी में, बगर बोलते हैं, ये मैंने ले लिया है। और इसे मैंने रात भर गलाया था, अभी धो के एक बार ले लिया है, और थोड़े से मैंने साबुदाने गला दिए थे सेम टाइम पे, और इन्हें भी मैंने गला दिया है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप साबुदाने मत लीजिएगा, मैंने इसमें साबुदाने लिए हैं तो बूंदी चिपक रही थी। अगर आप जलेबी बना रहे हैं तो साबुदाने इसमें थोड़े से एक चम्मच डाल सकते हैं, बाकी इसमें आप मत डालिएगा, सिर्फ ये जो सामा है ना उसी से आप बनाइएगा। मैंने इसमें एक चम्मच ये साबुदाने डाल दिए हैं, तो जब मैं बूंदी बना रही थी ना तो ये चिपकने लगी थी, तो आप प्लीज़ मत डालिएगा इसे। और अभी इसे एकदम बारीक पीस लेंगे, तो देखिए ये मैदे जैसा एकदम बारीक पीस जाता है, बहुत ही फाइन इसका पेस्ट बन जाता है। तो ये मैंने पीस लिया है और इसे एक बर्तन में हम निकालेंगे, जिसमें हमें और भी जो सामान इसके अंदर डालना है उसमें हम ये निकाल लेंगे। तो मैं एक छोटी टोप में इसे निकाल रही हूँ, थोड़ा ही है, थोड़ी ही बूंदी बना रही हूँ ये सिर्फ, मतलब मैं पूजा के लिए बना रही हूँ कि मैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये बना ली है। और उपवास किए तो उपवास में भी खा सकते हैं। अभी मिक्सी के जार में थोड़ा सा मैंने एक चम्मच पानी डाल के, और इसमें मैंने डाल दिया है ये पानी, थोड़ा गाढ़ा लग रहा था मुझे ये पेस्ट तो मैंने ये डाल दिया, अभी भी थोड़ा गाढ़ा है। इसे मैं दो तीन बूंद पानी, मतलब आधी चम्मच पानी और डालने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पतला चाहिए क्योंकि जो मैं इससे बूंदी बना रही हूँ छाननी, जो मैं ले रही हूँ ना गेहूँ छाननी, वो बारीक है, तो इसके लिए मैं ये ले रही हूँ, थोड़ा गीला कर रही हूँ। अगर आप जाड़ी, थोड़े जाड़े होल वाली छाननी लेंगे जिससे भी आप ये बूंदी बनाएंगे छारा या छाननी से, तो आप थोड़ा सा इसे गाढ़ा रखिएगा। तो देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए जो मैंने आपको चम्मच से उठा के बताया। अभी मैंने एक चम्मच इसमें दही डाल दिया है, तो दही खट्टा नहीं चाहिए और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर दही में पानी है तो आप जो मैंने पानी डाला था वो मत डालिएगा, और दही वाला ही पानी डाल दीजिएगा। तो ये हो गया है हमारा दही अच्छे से मिक्स। अभी मैं 2 पिंच इसमें खाने वाला सोडा डाल रही हूँ, अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर दीजिएगा। मैंने एक चम्मच इसमें तेल भी डाला है खाने वाला, और मैंने पहले से तेल गरम रख दिया था एक कढ़ाई में, और ये मैंने देखिए छाननी ली है तो ये बहुत बारीक वाले होल की है, तो बूंदी भी बारीक ही बन रही है। और थोड़ा थोड़ा सा घोल डाल के मैं थोड़ी थोड़ी सी बूंदी बना रही हूँ, क्योंकि एक बार में मैंने जो डाली थी तो थोड़ी चिपकने लगी थी वो साबुदाने की वजह से, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। और जो जाड़े जो थोड़े बहुत चिपक गए थे उन्हें मैंने अलग किया है इससे ही जारे से, और अभी मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए बारीक बूंदी बनी है, छोटी वाली बूंदी बनी है, जैसे हम मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं ना वैसे ही ये बूंदी बनी है इसकी। अब इसे ना मैं उसमें डाल दूंगी चाशनी में, लेकिन चाशनी को थोड़ी सी गुनगुनी करना है, ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे गर्म कर लिया था, और इसमें सब बूंदी मैंने निकाल के डाल दिए, और देखिए ये अच्छे से इसमें जूसी हो गई है, इन्होंने अच्छे से चाशनी पी ली है। अभी मैंने इसे थोड़ी देर चाशनी में रख दिया था, और एक छोटी जाली, मतलब छोटे होल वाली जाली ले ली है, उसमें मैंने ये बूंदी डाल दी है ताकि इसकी जो भी चाशनी एक्स्ट्रा रहे ना वो इसमें निकल जाए। तो इसे ऐसे रख के और 5 मिनट तक आप इसे रख दीजिएगा ताकि जितनी भी चाशनी है वो नीचे इसमें बाउल में आ जाए। तो देखिए मैंने 5 से 7 मिनट इसे रख दिया था, पूरी चाशनी इसकी नीचे आ चुकी है बाउल में, और अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, तो फ्रेंड्स हम जो
मार्केट से बूंदी लाते हैं ना बेसन की, सेम वैसी ही बूंदी बनी है। हाँ बेसन का टेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन बूंदी सेम वैसी ही बनी है, बहुत अच्छी लगती है। और उपवास में ये आप खा भी सकते हैं, भगवान को आपको जब भी भोग लगाना है तो भोग के लिए भी आप ये बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ फ्रेंड्स हर वीडियो की तरह, कि अगर ये रेसिपी मेरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जो जलेबी का वीडियो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी वो भी। तो देखिए दिख रही है ना एकदम बूंदी जैसी बूंदी की, ये जो हम बेसन की बनाते से हम वैसी बूंदी आपको दिख रही है ना फ्रेंड्स, तो बहुत पसंद करेंगे आप अगर ये वीडियो आपने फुल वॉच कर लिया तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो कल फिर आती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।